हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फॉर्म सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग अपने इस वीडियो में इनपुट एट्रीब्यूट के सेकंड पार्ट को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो यानी इनपुट एट्रीब्यूट के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनपुट एट्रीब्यूट्स। सो बेसिकली अभी तक हमने इनपुट एट्रीब्यूट्स में वैल्यू एट्रीब्यूट, प्लेस होल्डर, रीड ओनली, डिजेबल एट्रीब्यूट देखा था, ठीक है, और इसके बारे में प्रैक्टिकल किया था। इस वीडियो में हम लोग साइज एट्रीब्यूट, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट, पैटर्न एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट देखेंगे, ठीक है। और बाकी जो हमारे स्टेप, ऑटो फोकस और हाइट विड्थ हैं और ऑटो कंप्लीट हैं, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आप लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर साइज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रैक्टिकल। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट डिफाइन कर लिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने जो प्रैक्टिकल करना है, हमारा इनपुट एट्रीब्यूट है उसको एक उसका एक लिस्ट बना लिया उसका एक लिस्ट बना लिया है। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्म के अंदर कुछ लेबल्स और इनपुट ले लेते हैं, और उसके बाद उसमें हम अपने सारे जो एट्रीब्यूट हैं उनको वन बाई वन इंसर्ट करते हैं। सो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर दो लेबल क्रिएट कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमारा नेम और हमारा यहाँ पर पिन आ गया, ठीक है। और इसमें हम वन बाई वन करके अपने सारे एट्रीब्यूट को प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ साइज देखते हैं। तो साइज इंसर्ट करने से पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। मैं सेव करके इसको डिफॉल्ट ब्राउजर पे ओपन करता हूँ, ओपन डिफॉल्ट ब्राउजर। तो ये हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर पे रन हो चुका है। तो ये रहा हमारा नेम और ये रहा हमारा पिन, ठीक है। सो यहाँ पर हम पहले साइज एट्रीब्यूट डालते हैं। तो मैं इसमें साइज एट्रीब्यूट डालता हूँ। अगर मैं साइज की बात बताऊंगा, इसकी साइज बेसिकली करता क्या है, तो ये विजिबल एरिया बताता है। मैं कंट्रोल प्लस एस करके सेव करके और ब्राउजर पे मूव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर सेम एज इट इज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो बताता हूँ मैं गाइज आपको कि साइज बेसिकली करता क्या है। साइज हमारे जो इनपुट फील्ड है, ये हमारा इनपुट फील्ड है, इसका एक लेंथ डिफाइन करता है। दैट मीन्स जो हमारा ये जो विजिबल एरिया है उसको दिखाता है। अगर मैं यहाँ पर 50 डाल दूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 20 रहता है, अगर मैं 50 डाल दूं और मैं सेव करके दिखाता हूं आपको, तो देखिए ये विजिबल एरिया है। अगर हम इस पर कुछ भी लिखें, तो अगर मैं इस पर कुछ भी लिखूंगा तो ये विजिबल एरिया है ना, ये हमको दिख रहा है। तो ये डिफाइन करता है कि हमारा कितना कैरेक्टर हमें विजिबल होगा, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए मेरा जो पिन है, मैं इसमें साइज दे देता हूँ, साइज इक्वल टू डबल कोट के अंदर 5, और मैं सेव करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये विजिबल 5 कैरेक्टर ही होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 कैरेक्टर हैं टोटल, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और हमारा नेक्स्ट है मैक्स लेंथ। तो मैं मैक्स लेंथ पे आता हूँ, मैं इसी को पेस्ट करता हूँ, और मैक्स लेंथ के लिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ मैक्स लेंथ। और ये हमने साइज दे दिया है, तो मैं साइज के जगह पर मैक्स लेंथ ही डाल लेता हूँ, मैक्स विड्थ, सॉरी फॉर दैट, मैक्स लेंथ। मैं सेव करके दिखाता हूँ आप लोगों गाइस, हमारा जो यहाँ पर मैक्स लेंथ है, ये इनपुट फील्ड के अंदर कितने कैरेक्टर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं उसका एक लिमिटेशन यानी बाउंडिंग क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या दिया है, 5 कैरेक्टर, तो मैं यहाँ 5 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं ले सक पाऊंगा। अब मैं कितना भी कैरेक्टर लूंगा, ठीक है, ये इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10 कैरेक्टर ले लूँगा तो मैं 10 ही कैरेक्टर डाल सकता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले, और मैं डालता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर मैं आगे डालूँगा 1 2 3 4, तो कुछ ही इंसर्ट नहीं लेगा। तो ये काम होता है हमारा मैक्स लेंथ का, ठीक है, इनपुट फील्ड के अंदर जो हमारे कैरेक्टर होते हैं उन पे वर्क करता है, ठीक है। और अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पैटर्न। मैं पैटर्न के लिए एक फिर से ले लेता हूँ हमारा, मैं यहाँ पर पैटर्न नाम का यहाँ पर लिख देता हूँ,
मैं पहले चेक कराता हूँ आप लोगों का, इस यहाँ हमारा आ गया पैटर्न, ठीक है। अब पैटर्न के अंदर मैं यहाँ पर साइज को मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। और हम अपना पैटर्न एट्रीब्यूट डालते हैं। सो पैटर्न में हमारा दो वैल्यू जाता है, ठीक है, दो वैल्यू जाता है डबल कोट के अंदर, ठीक है। सबसे पहला हमारा बिग ब्रैकेट में, ठीक है, सबसे पहला बिग ब्रैकेट और दूसरा हमारा कर्ली ब्रेसेस में जाता है, ठीक है। बिग ब्रैकेट में हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आते हैं इसमें, ठीक है। बिग ब्रैकेट में हमारा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आता है, जैसे कि A to Z। अब ये कहने का मतलब क्या हो गया गाइस, और यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पर तीन कैरेक्टर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर पैटर्न में बताया क्या कि जो हमारा इनपुट टेक्स्ट होगा ये A to Z ही और तीन कैरेक्टर लेगा, ठीक है। मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। देखिए इसने बोला कि प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट, ठीक है, यानी ये वैलिडेशन के काम में आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल जो मैंने लिखा है वहां पर A to Z, मैं मान लीजिए इंडिया ले लेता हूँ, कैपिटल में IND, ठीक है, और तीन कैरेक्टर लिया है। और अब देखिए गाइस वो नहीं लिखेगा, देखा आपने, उसने एक पॉपअप जनरेट नहीं किया, ठीक। मतलब ये किस लिए होता है कि ये हमारा प्री रिक्वेस्ट, एक सबमिट जो हम लोग फॉर्म से भेजते हैं। जैसा कि आपको मैं सिनेरियो बताता हूँ, जैसे आपने कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा, ठीक है, उसमें होता क्या है गाइस कि अगर हम लोग अपने कुछ नंबर्स डेबिट कार्ड के डालते हैं फर्स्ट नंबर, तो ऑटो रीडायरेक्ट कर लेता है कि ये हमारा कार्ड क्या है, वीजा है या फिर मास्टर कार्ड है। तो उसी पर्पस से रिलेटेड ये हमारा पैटर्न यूज होता है। और अगर हम यहाँ पर रिक्वायर्ड की बात करें, ठीक है, तो रिक्वायर्ड करता क्या है गाइस कि कोई भी डेटा, ठीक है, या फिर कोई भी इनपुट फील्ड खाली छोड़ के यूजर उस फॉर्म को सबमिट ना करे, ठीक है। जैसे कि हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, फॉर्म में हमने इनपुट रखा, नेम रखा और पासवर्ड रखा, तो नेम पासवर्ड बिना भरे वो सबमिट कर देगा, ठीक है। इससे बचने के लिए हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।